अब हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करेंगे. इफ वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग एज ए कंसेप्ट, फर्स्टली वी शुड नो दैट दिस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज नॉट द अफेयर ऑफ साइकोलॉजिस्ट ओनली. ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें डिफरेंट फील्ड्स के आदमी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. सो इट इज नॉट ए अफेयर ऑफ प्योर साइकोलॉजी यू कैन से. सो फार एज सम इंपॉर्टेंट नेम इज कंसर्न, पियाजे एज पर्सनल कंस्ट्रक्टिविस्ट वॉज ए वेरी ब्रिलियंट कॉग्निटिविस्ट एज वेल, बायोगेस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जॉन डीवी, हर्शल, ग्लेसरफेल्ड, बहुत सारा नाम मनोविज्ञान से नहीं है, नोवा एंड मेनी मोर. सो दीज आर पियाजे, वायोग्स्की, डेवी, हर्शल, ग्लेसरफेल्ड, नोवा एक्सेट्रा आर सम कंट्रीब्यूटर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग एज आई हैव जस्ट टोल्ड इज नॉट लिमिटेड टू दी साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट. कंस्ट्रक्टिविस्ट कंसीडर्स दैट इंडिविजुअल लर्न्स बाय कंस्ट्रक्टिव नॉलेज. इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जब भी इस अप्रोच को समझाने की कोशिश करते हैं तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आप कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, प्लॉट बदलते हैं, कुछ जोड़ते हैं, कुछ परिस्थिति बस उसमें डालते हैं, मतलब यू आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग. सो दिस इज कंस्ट्रक्शन. जैसे मकान का क्या करते हैं, मकान की हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि अब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. व्हाट इज हैपनिंग इन दी प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. सपोज यू आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, ओ क्या दिया हुआ है, क्या करना है, अच्छा ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसकी मदद से ये करना है तो कैसे किया जा सकता है. सो दैट इज ऑल्सो ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की वजह से बहुत सारा काम आजकल एजुकेशन में हो रहा है, सोशल लर्निंग, सॉरी वो ग्रुप लर्निंग का कंसेप्ट जो आगे हम लोग की कंसेप्ट में उसको फिर लाएंगे भी. सो कंस्ट्रक्टिविस्ट कंसिडर्स दैट इंडिविजुअल लर्न्स बाय कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज. एंड हाउ वी कंस्ट्रक्ट नॉलेज, हमने कहा कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के माध्यम से आप सोचिएगा तो इजीली समझ पाइएगा. कविता लिखना है, कहानी लिखनी है, इवन एस्से लिखना है. यदि आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो क्या करते हैं, और क्या लिखेंगे, अच्छा ये बैकड्रॉप्स, पहले क्या क्या हुआ, ये अब इसमें इन टर्म्स ऑफ दिस. सो जितने भी सब हेड जो खास के आपके जो क्वालिटेटिव रिसर्च के पेपर्स जो मुख्य रूप से लिखे जाते हैं उसको आप देखेंगे तो उससे भी आप कंस्ट्रक्शन. सो ए देर इज ए सेंट्रल थीम, इट हैज बीन बाइफर्केटेड इनटू सो मेनी सब थीम्स. ये सब थीम में क्लासिफाई जो आप कर रहे हैं दिस इज ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. आप कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन. एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ह्यूमन नॉलेज एंड लर्निंग आर एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाई द इंडिविजुअल लर्नर. हियर यू हैव टू फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्नर, मतलब नॉलेज इज बींग कंस्ट्रक्टेड बाई एन इंडिविजुअल. एंड आगे और क्लियर होगा. सो लर्निंग आर एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाई द इंडिविजुअल लर्नर, नॉट पैसिवली रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट. अभी लेक्चर हो रहा है, आप जब इसको सुनेंगे, एक्टिवली जब परसीव करने की कोशिश करेंगे, कहीं आपका जो बैकग्राउंड है उससे मिलाने का प्रयास करेंगे, या एक की जगह 10 लेक्चर सुन के कुछ अपना कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसकी तरफ इशारा कर रहा है. सो लर्निंग एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज ए वेरी एक्टिव वर्क विच इज बींग डन एक्टिवली By an individual, it is not being received passively
by the individual from the environment. Knowledge is always someone's knowledge, individual. Knowledge of not, ये मेरे फादर का नॉलेज था तो हमारे यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा भाई पढ़ लेगा तो हमारा भी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेरा काम वो कर देगा। ये कोई दूसरे का काम नहीं कर सकता है। सो नॉलेज इज ऑलवेज समवन्स नॉलेज एज पर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इट इज क्रिएटेड और कंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सपीरियंसिंग इंडिविजुअल। आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है तो लिखने का जो तरीका आपने सीखा है, आपने जो बैडमिंटन खेलना सीखा है और एक्वायर किया है ये कैपेबिलिटी कि राइट में रिसीव करो या लेफ्ट में रिसीव करो, ये टेंडेंसी डेवलप करो कि हमेशा मिडिल में आएंगे, तो ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है, आपने रिसीव किया है। मतलब आपसे अभिप्राय इंडिविजुअल से। कंसेप्ट लाइक एस्केमेटा वहां से आ रहा है, हमने कहा भी था कि यहां एक्सप्लेन करेंगे। एस्केमेटा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ कॉग्निटिविज्म इज द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब बेसिस इन द सेंस कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ पियाजे हु इज ऑल्सो ए कंस्ट्रक्टिविस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ नॉलेज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सो कंस्ट्रक्टिविज्म हैज इट्स जेनेसिस इन कॉग्निटिविज्म एंड दिस इज ड्यू टू द ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे। यू कैन से पियाजे यूज्ड फोर प्रोसेसेज ऑफ एस्कीमा। यहां एस्कीमा शब्द है, एक है एस्केमेटा। एस्केमेटा इज द प्लुरल ऑफ एस्कीमा, SCHEMA, एस्कीमा। सो पियाजे यूज्ड फोर प्रोसेसेज ऑफ एस्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट को समझने के लिए पियाजे ने मतलब फोर प्रोसेस की बात की। एंड व्हाट आर दो फोर प्रोसेसेस? एस्कीमा, और हमने कहा कि एस्केमेटा इसका पुलर है। सो एस्केमा, एस्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट। और वो हमने जो कॉग्निटिविस्ट अप्रोच को समझाते हुए आपको बताया था, वही संज्ञान में लेने वाली बात से लेके कैसे स्टेबल होता है, उसको जरूर याद रखिएगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। अब स्कीमा को, स्कीमा रेफर्स टू द मेंटल स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प इंडिविजुअल्स टू अडैप्ट एंड ऑर्गेनाइज देयर एनवायरनमेंट। स्कीमा mental structure is there and what it does, it helps the individual how to adapt and organize the environment. A schema, assimilation helps, naya knowledge aaya ab usko assimilate karna hai. Assimilation helps to fit into the new experiences and perceptions in existing cognitive structures. और व्हाट इज दिस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स? स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर है तो स्कीमा, और स्ट्रक्चर्स हो गया तो एस्केमेटा, तो एसिमिलेट मतलब आया नया पुराने से, एसिमिलेट न्यू एक्सपीरियंसेज एंड परसेप्शन इन एग्जिस्टिंग पहले वाला कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, तो ये एसिमिलेशन हुआ। एकोमोडेशन क्रिएट्स, जगह नहीं है, आपका फ्रेंड आया है, कहाँ बैठाएंगे उसको, पहली बार आया है, घर के लोगों से परिचित नहीं हुआ है, गेस्ट रूम में बैठेगा ना, एकोमोडेशन उसको, उसको आपके घर के दूसरे कोने तक जाने में अभी टाइम लगेगा, सो एकोमोडेट इन द गेस्ट रूम। एकोमोडेशन क्रिएट्स ए न्यू स्कीमा टू फिट इन टू द न्यू एक्सपीरियंसेस और परसेप्शंस वेन दे डू नॉट फिट into with the existing schemata. वो जो existing schemata है उसमें
वो जब फिट नहीं बैठते हैं, हमने पहले भी बताया था कि ये ग्रुप ऑफ नॉलेज, दिस ग्रुप ऑफ नॉलेज, दिस ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ये कहाँ जाएगा या फिर कोई नया बनेगा? सो एकोमोडेशन क्रिएट्स ए न्यू स्कीमा स्कीमा टू फिट इनटू द न्यू एक्सपीरियंसेस और परसेप्शंस व्हेन दे डू नॉट फिट इनटू विद द एग्जिस्टिंग स्केमेटा। एंड नाउ इक्विलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच अकर्स व्हेन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन इंटरैक्ट। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन मतलब एकोमोडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, नया ज्ञान आया, एमलगेशन शुरू हुआ। तो इक्विलिब्रेशन की स्थिति कब होती है? व्हेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच अकर्स व्हेन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन इंटरैक्ट्स। मतलब इक्विलिब्रेशन वो अवस्था है, वो प्रोसेस है जहां एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आपस में इंटरैक्ट करता है अस्थायित्व की तरफ जाने के लिए। इन फैक्ट इट डज बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन देम। मतलब ये एक जगह बना देता है, बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि अस्थायित्व की स्थिति बना देता है आफ्टर द इंटरैक्शन। बट इन द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन द इंटरैक्शन बिटवीन द एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन इज ए मस्ट। सो वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाउ कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। नाउ वी शैल टॉक certain other types of constructivist approach given by different expressionist, you can say psychologist, you can say, क्योंकि इस तो बहुत सारे फील्ड के लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। एक है ट्राइवियल, ट्राइवियल वर्सेस रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये भी एक ग्रुप। तो एक ट्राइवियल लिख दें, ट्राइवियल वी आई ए आई है ट्राइवियल, और फिर दूसरा है रेडिकल, मतलब ये दूसरे का अपोजिट एक करते हैं, इसे वर्सेस भी बीच में लिख दें, ट्राइवियल वर्सेस रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ट्राइवियल कंस्ट्रक्टिविस्ट consider learner as an active individual in the process of knowledge construction. It does not find learning impersonal, rather it finds learning as personal. To ek trivial constructivist learner as an active individual in the process of knowledge construction. Radical constructivist consider child an active learner and simultaneously consider adaptation as the functions of learning and cognition. So it also talks in terms of adaptation, of course adaptation of child, but where adaptation? So ultimately it is talking in terms of environment, and it may be social as well. So trivial constructivist is individualistic, it talks active individual learner, and radical constructivist consider that of course the child is an active learner, but he or she goes through the process of adaptation, and adaptation as the functions of learning and cognition. तो एक तो हमने ट्राइवियल और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म भी एक अप्रोच है इसकी बात की। दूसरा पर्सनल और सोशल, हमने नाम भी लिया था पियाजे का और सोशल, पर्सनल एंड सोशल, ये भी एक कैटेगरी है, पर्सनल कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। पर्सनल कंस्ट्रक्टिविस्ट फाइंड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन,
और इसमें पियाजे का नाम आया ही था, हमने चर्चा भी शुरू में भी की थी। वो शुरू जब हम सारे अप्रोचेस की बात कर रहे थे वहाँ भी हमने पियाजे के टर्म में बात की थी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फाइंड सोशल प्रोसेसेज सेंट्रल टू लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कंसीडर्स सोशल कंस्ट्रक्ट्स एसेंशियल फॉर लर्निंग। इट पुट्स एम्फेसिस ऑन कल्चर, लैंग्वेज, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एक्सेट्रा क्रूशियल फॉर लर्निंग। एक तो कल्चर की बात, सोशल का एस्पेक्ट भी है कल्चर, तो कल्चरल एस्पेक्ट, इंटरपर्सनल, लैंग्वेज दैट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज है ये कल्चर। तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है कि इंडिविजुअल लर्न्स एंड इन द लर्निंग देयर इज द रोल ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एक्सेट्रा। एक और नाम है नोवाक। नोवाक टॉक्स ऑफ ह्यूमन कंस्ट्रक्टिविज्म। ह्यूमन, इन्होंने एक अलग कहा कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कंस्ट्रक्टिविस्ट। नोवाक टॉक्स ऑफ ह्यूमन कंस्ट्रक्टिविज्म। ह्यूमन कंस्ट्रक्टिविज्म एक्सप्रेसेस दैट न्यू पीसेज ऑफ नॉलेज आर इंटीग्रेटेड विथ ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड नॉलेज टू सेव अनदर फॉर्म ऑफ नॉलेज। यदि आप ठीक से समझिएगा तो कहीं ना कहीं वो जो आपका ट्रेविलियन, रेडिकल और सोशल, कुछ हद तक पर्सनल भी से रिलेटेड ही है ये भी। ह्यूमन कंस्ट्रक्टिविज्म एक्सप्रेसेस दैट न्यू पीसेज ऑफ नॉलेज, वहां से आ गया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कंसेप्ट जो कॉग्निटिविज्म का है, जिसको हमने कहा कि वो कंस्ट्रक्टिविज्म में भी काम कर रहा है, वो एस्पेक्ट लिया। नॉलेज आर इंटीग्रेटेड विथ ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड नॉलेज, एसिमिलेशन एकोमोडेशन की तरफ, टू सेप अनदर फॉर्म ऑफ नॉलेज। एंड ऑफ कोर्स इन द प्रोसेस देयर इज द इंपैक्ट ऑफ सोशल एस्पेक्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज लाइक दैट। नाउ वी शैल कंक्लूड दिस लेक्चर बाय saying in brief the key contribution of this constructivist approach for the learning or for the understanding of the learning. What are those? Individual and social construction of learning. और वहां हमने कहा था कि आगे बताएंगे cooperative learning, ये social learning और individual constructivism के माध्यम से कोऑपरेटिव लर्निंग की बात है कि कोऑपरेशन से कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सब मिल के डिफरेंट तरह के नॉलेज को लाएंगे तो कोऑपरेशन में कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग, एक्टिव लर्निंग की बात कहा कि लर्निंग इज इंडिविजुअल अफेयर एंड फॉर द सेम ही और सी हैज टू बी एक्टिव, इट कैन नॉट बी डन पैसिवली। क्रिएशन ऑफ लर्निंग एनवायरमेंट दैट इज क्लाइमेट। It also talks adaptation, multiple representation of content. वहीं multiple mind, कई आदमी एक साथ, जो cooperative learning, और यहाँ फिर कर रहा है ये भी इसका एक बहुत बड़ा contribution है कि multiple representation of content, multidisciplinary approach, discovery. ये तो constructivist का भी है और cognitivist का भी है। Encounter complex learning environment. And if we provide optimum opportunity to encounter concept complex learning environment, learners will construct more. So, constructivist approach and its relationship with his learning is that it is not the affair of psychology alone, but it says that learning is being done actively and it is one man affair. An individual actively learns. So learning as per constructivist approach can be constructed and for that one has to be active. So this is all about
दिस एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. नाउ वी शैल डिस्कस अदर अप्रोच. थैंक यू.